हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि आपके कारण ही रिसेंटली हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आगे भी इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे और ये जो चैनल के लिए आपका जो प्यार है वो मुझे मिलता रहेगा गाइस। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं गाइस दैट इज क्लास 12 फिजिक्स की स्ट्रेटेजी। ठीक है, जैसे कि आप जानते भी होंगे कि हमारा जो एग्जाम है वो फेब में नहीं होने वाला है, लेकिन मार्च में भी नहीं, अप्रैल टू मई के आसपास ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। इसका कंफर्मेशन थोड़े दिनों पहले ही आ गया था। सो आपको तो अभी तो पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है गाइज, कहते हैं ना, एक महान साइंटिस्ट ने कहा है गाइज की इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, मतलब आप अगर प्लान नहीं बनाते हो ठीक है और तो आप पक्का फेल होने वाले हो। अब ये तो बात पक्की है कि आप फेल नहीं होगे, लेकिन वो परसेंटेज भी किस काम के, जैसे 50-55% वो किस काम के नहीं होने वाला है गाइज। तो एटलीस्ट आपको 70-60% अगर लाने हैं तो अभी से उसके लिए प्लान करना पड़ेगा गाइज, क्योंकि हमारे पास नियर अबाउट 4 ही महीने बचे हुए हैं। ठीक है, जिसमें जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि दिसंबर तो अभी खत्म हो ही गया, तो अपने पास नियर अबाउट 4 ही महीने बचे हुए गाइज। सो उसी के बारे में आज का मैं टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ गाइज। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, और जो लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलो गाइज शुरू करते हैं, दैट इज क्लास 12 फिजिक्स की स्ट्रेटेजी। ठीक है, आपको ये स्ट्रेटेजी मैं शायद मैं फिजिक्स के लिए ही बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादातर नॉलेज इसी सब्जेक्ट को लेके है। आप चाहो तो कुछ और सब्जेक्ट के लिए, जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री या मैथ्स के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हो गाइज। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे, आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने ना एक तरफ चैप्टर के नाम लिखे हो और दूसरे तरफ उसका वेटेज लिखा हुआ है गाइज। ठीक है, जैसे कि आप जानते भी होंगे, बहुत मैक्सिमम लोग जानते होंगे कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ ना गाइज, तो आपका जो पेपर होने वाला है वो टोटल 70 मार्क्स का पेपर है, लेकिन अगर विथ ऑप्शन अगर देखता हूं ना तो वो पूरा 98 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब पूरा 98 मार्क्स का पेपर होने वाला है गाइज। ठीक है, सो अगर मैं स्टार्ट करता हूं मेरा स्ट्रेटेजी किस तरीके से होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना गाइज, आपको सबसे पहले ऐसी चीजें पढ़नी है जो आपको बहुत ज्यादा इजी जाने वाली है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो हमारे पास 2 पेपर है गाइज, दैट इज पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। ठीक है, सो पेपर नंबर 1 अगर मैं देखता हूँ ना गाइज, तो चैप्टर नंबर 7 तक पेपर नंबर 1 है गाइज। ठीक है, और चैप्टर नंबर 7 से आगे तक सेकंड पेपर है गाइज। ठीक है, सो पढ़ने के लिए जो पेपर नंबर 1 है ना वो बहुत ज्यादा इजी है गाइज, और आपको पेपर नंबर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है गाइज। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ जनवरी मंथ से भी, तो यहाँ पे है ना मैंने 4 मंथ लिखे हुए गाइज, और आपको मैंने एक सीरीज लिखा के रखा है, तो उसी सीरीज में आपको मैं लिंक करा के बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसा आपको इस, मतलब इस जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया उसको फॉलो करना है गाइज। ठीक है, तो जनवरी मंथ से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप शुरू में ये चैप्टर कर लीजिए गाइज, दैट इज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये 5 चैप्टर आप चाहे वो आज से स्टार्ट कर लीजिए या चाहे 1 जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए गाइज, क्योंकि बहुत लोगों ने सोचा होगा चलो यार 31 तक एंजॉय कर लेता हूं मैं, 1 जनवरी से स्टार्ट करता हूँ। आपका 1 जनवरी नहीं आने वाला, मुझे पता है वो और आगे जाके भी जा सकता है, लेकिन आप अगर आज से भी स्टार्ट करते हो तो आपको 1 महीने के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर ये जो चैप्टर है गाइज, इन सभी चैप्टर को कवर कर लेना है और लाइन से कवर करना है गाइज, दैट इज चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 1 महीने के अंदर कवर करने हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए, 1 महीने के अंदर कितने दिन होते हैं? 30 डेज। और अगर आपके पास 5 चैप्टर है तो 1 दिन, मतलब 1 चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करना चाहिए? 6 दिन के अंदर। तो आप क्या करिए ना, आप सिंपल करिए। ठीक है, मैं बता दू एक एक चैप्टर को आपको कैसे पढ़ाना है वो बिल्कुल बता देता हूं गाइस, और कैसे पढ़ना है ये भी अगर नहीं पता होगा तो मेरा वीडियो उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, किस तरीके से आपको इफेक्टिव स्टडी करना है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो जाके देख लो, आपको मिल जाएगा कैसे किस तरीके से पढ़ना है गाइस। ओके, सो अगर मैं देखता हूं ना, 1 चैप्टर के लिए मुझे नियर अबाउट 6 डेज मिल रहे गाइस। कितने दिन मिल रहे? 6 दिन। तो 6 दिन में आपको क्या करना है ना, नियर अबाउट 3 दिन आपको थ्योरी पढ़नी है गाइस और 2 दिन आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। ठीक है, 3 दिन थ्योरी पढ़िए, 2 दिन न्यूमेरिकल पढ़िए। ठीक है, या आपने अगर 4 दिन भी अगर थ्योरी को लगाते हो, मेरे को तो नहीं लगता 4 दिन लगेंगे। ठीक है, 3 दिन थ्योरी पढ़िए और 2 दिन न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, 1 दिन और बचता है। वो जो 6वां दिन है उस दिन आपको क्या करना है,
आपको पेपर प्रैक्टिस करनी है गाइस, ठीक है। आपने जो पढ़ा है ना पिछले 5 दिन के अंदर, उसका एक आधा पेपर लीजिए, ठीक है। आपको पेपर भी नहीं हो गया आपके पास तो मैं देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सर हमको पेपर चाहिए, या आपकी जो कुछ भी डिमांड होगी मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ गाइस। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको क्या मेरे से हेल्प लगती है, ठीक है। मैं पेपर सीरीज भी चलाने वाला हूँ तो आपको बिल्कुल उसका भी हेल्प होने वाला है गाइस, ठीक है। सो आपको 6 दिन के अंदर ना एक चैप्टर बिल्कुल कवर कर लेना है, ठीक है। अब बात आती है सर 6 दिन लगेंगे एक चैप्टर को, हाँ 6 दिन लग सकते हैं एक चैप्टर को, कैसे बता दो। क्या आपको खाली क्लास 12 फिजिक्स ही पढ़ना है? क्लास 12 में खाली फिजिक्स ही सब्जेक्ट है, दूसरे भी तो सब्जेक्ट होंगे ना, खाली फिजिक्स ही पढ़ के क्या पास हो जाओगे? नहीं। तो आपको खाली क्या करना है ना, डेली 2 आवर्स पढ़ने का, ज्यादा नहीं पढ़ना है। डेली कितना? डेली 2 आवर्स। डेली अगर 2 आवर्स आप पढ़ते हो ना आज से, ठीक है, तो 6 दिन में 100% एक चैप्टर हो जाएगा थ्योरी विद न्यूमेरिकल, ठीक है। और मतलब 5 दिन में कर लीजिए और 6वें दिन उसका पेपर दीजिए। पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बता रहा हूं कि आपको पेपर प्रैक्टिस भी करके रखनी है, ठीक है। पर्टिकुलर चैप्टर वाइज कर लीजिए, ठीक है। सो अगर आपने ये 6 चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर अगर आपने 6 दिन के अंदर मतलब एक चैप्टर 6 दिन के अंदर भी कवर करते हो तो नियर अबाउट 1 महीने के अंदर आपके ये 5 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे गाइस, समझ में आ गया। और आपको बताऊंगा ये जो चैप्टर नंबर 1 हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हो गया या चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, इसे चैप्टर नंबर 4 तक मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका होगा गाइस। आप उतने ही क्वेश्चन कीजिए, ज्यादा मत करिए। थ्योरी अगर आपको पढ़नी है ना उतनी ही पढ़िए जितने मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। ये इन सबका मैंने है ना ऑलरेडी जो वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं गाइस, जाके जरूर देख लीजिए उसको, ठीक है। जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि ऑक्सीलेशन का भी वीडियो उसमें डाल दूंगा, ठीक है। सो आपको जनवरी मंथ के अंदर ये 5 चैप्टर आपको कवर कर लेने गाइस। अब बचते हैं बचे हुए बाकी के चैप्टर, तो गाइस मैं बचे हुए बाकी के चैप्टर पे थोड़ा सा मैंने एक सीरीज बना के रखा हुआ है गाइस। पहले तो ये 5 चैप्टर कर लीजिए, लेकिन बाकी मैंने जो सीरीज बना के रखा है ना गाइस उसको आपको थोड़ा सा फॉलो करना है। उसके पीछे रीजन भी मैं बिल्कुल बता दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको। उसके बाद ना गाइस मेरे को लगता है ना फेब महीने में 14, 15, 16 चैप्टर को पहले कर लेना है गाइस। अब इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको ये समझा देता हूं। अगर मैं 14, 15, 16 चैप्टर अगर देखता हूं ना तो नियर अबाउट ये 16 मार्क के चैप्टर है गाइस, लेकिन काफी आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है गाइस, ठीक है। जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, 25% अगर रिड्यूस हो गया हो तो ज्यादा टॉपिक भी नहीं बचे, ठीक है। और 15 चैप्टर भी चलता हूं तो 6 मार्क का चैप्टर है, ठीक है, अच्छा चैप्टर है, केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है तो जल्दी हो जाएगा गाइस। 16 के बारे में तो आपको क्या बताऊं, बहुत आसान चैप्टर है, वो बहुत छोटा चैप्टर है गाइस। तो 14, 15, 16 ये आपको कंटिन्यूअसली पढ़ लेना है गाइस, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, ये चैप्टर थोड़े से आपको हेवी जाने वाला है गाइस, दैट इज चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ठीक है। शायद आपको चैप्टर नंबर 6 ज्यादा हेवी ना जाए क्योंकि वेव से रिलेटेड, लेकिन बहुत लोगों को यहां कंफ्यूजन होता है गाइस, दैट इज चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ठीक है। सो इनको ना थोड़ा सा अलग से टाइम देके पढ़िए गाइस, ये चैप्टर थोड़े से हार्ड है लेकिन वेटेज चैप्टर है गाइस। 6, 7, 8 को अगर मैं देखता हूं तो देखिए 6, 7, 6 मार्क के चैप्टर है, तो छोड़ना नहीं है आपको, छोड़ना नहीं है, इनको करना है लेकिन लाइन से भी करना है 6, 7, 8। अब अगर मैं चाहता हूं अगर फेब्रुवरी में आपने ये अगर इतना भी कर लिया ना तो मेरे को नहीं लगता ये जो 14, 15, 16 चैप्टर है इसको ज्यादा टाइम लगेगा। आपको ज्यादा टाइम ना इसको देना है गाइस, ये चैप्टर को आपको ज्यादा दिन देना है, 6, 7, 8 को ज्यादा टाइम लगेगा उसको, ये तो छोटे छोटे चैप्टर है जल्दी हो जाएंगे गाइस, ठीक है। अगर आप 8 चैप्टर तक 2 महीने के अंदर अगर पहुंच जाते हो है ना, 6 दिन के अंदर 1 चैप्टर या 5 दिन के अंदर 1 चैप्टर, इस तरीके से अगर आप पहुंच भी जाते हो सो एट द लास्ट आपके पास बचते हैं मार्च महीना, और मार्च महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं ना मार्च महीने में आपने क्या करना चाहिए ना गाइस, ये चैप्टर सीरीज फॉलो करनी चाहिए। हाँ आपको अगर अगर और अगर कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं आपको बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर कर लेना है ना गाइस, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि पहले मार्च वाले पहले करिए, मतलब 9, 10, 11, 12 और 13 ये चैप्टर पहले करिए गाइस। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि 9, 10, 11, 12 और 13 ये बिल्कुल एक के ऊपर एक डिपेंडेंट चैप्टर है गाइस। जैसे अगर आप 9th नंबर का चैप्टर देखते हैं गाइस तो ये 6 मार्क का है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ते हो ना तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये भी चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। अब ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें भी अगर मैं देखता हूँ ना गाइस इसमें तो खाली 2-3 ही टॉपिक बचे हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 ही टॉपिक बचे हैं, इसको तो छोड़ना ही नहीं है,
ठीक है, मैग्नेट एंड मटेरियल काफी इजी चैप्टर है गाइस, ठीक है। सो आपको ये चैप्टर बिल्कुल कर लेना है, 9, 10, 11 हो गया। फिर अगर आप 12 करते हो ना गाइस, तो 12 के बाद बिल्कुल 13 कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल लिंक में चैप्टर है गाइस। तो आपको अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपने ये मार्च वाले ना यहां शिफ्ट करने चाहिए, मतलब फेब में कर लेने चाहिए गाइस। और आप इससे क्या होगा ना, ये चैप्टर भी बड़े स्कोरिंग वाले चैप्टर है और बिल्कुल लिंक में है, तो जल्दी जल्दी हो भी सकता है गाइस। सो आप चाहो तो ये मार्च वालों को इधर शिफ्ट भी कर सकते हो, फेब में इधर कर सकते हो, लेकिन ये जो लाइन मैंने दिया है, ये जो सीरीज दिया है, उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करिए गाइस, आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, ठीक है। मतलब 14, 15, 16 बिल्कुल लाइन से पढ़िए, जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 14, 15, 16 कर लिया तो 6, 7, 8 थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये चैप्टर आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है गाइस, ठीक है। और मार्च में अगर आप जाते हो तो 9, 10, 11, 12, 13 बिल्कुल लाइन से कर लीजिए गाइस, ठीक है। अब अगर आप ये भी चाहते हो, सर आप कैसे चाहते हो कि हम पूरे पूरे के पूरे 16 चैप्टर पढ़ ले, ठीक है, हम नहीं पढ़ सकते भाई, इतना नहीं कर सकता हूं मैं, मेरे से बहुत हो गया, 13-14 चैप्टर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा करूंगा तो शायद मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है गाइस, मैं 2 चैप्टर बिल्कुल आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो आपने मतलब छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई भी 2 चैप्टर, अब वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं सजेस्ट करना जाऊंगा तो वो अलग लगेगा कि भाई आपको ये चैप्टर ही क्यों बताने, वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। हाँ बिल्कुल, आपको क्या करना है, खाली 2 चैप्टर अगर छोड़ना भी चाहते हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि टोटल पेपर जो है वो 98 मार्क्स का होने वाला है। मेरे हिसाब से एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए, एक भी नहीं, अभी से भी अगर आपने स्टार्ट करते हो ना, आपने थोड़ा थोड़ा भी इनके बारे में अगर पढ़ के रखे होगे ना, तो आपको बिल्कुल आसानी से जल्दी हो सकता है फिजिक्स का सिलेबस गाइस, ठीक है। अब बात आती है, अगर मार्च तक आपने अगर इतना कंप्लीट कर भी लिया ना, तो अप्रैल में क्या करना है सर, अप्रैल में तो आपने इसको ब्लैंक रखा है, अप्रैल में आपको पूरे टास्क देने गाइस, पूरे टास्क देने गाइस, ठीक है। अब ये टास्क कैसी होगी, ये टास्क आपको 3 आवर्स वाले फुल पेपर की प्रैक्टिस करनी है, 3 आवर्स वाले फुल पेपर, ठीक है। बहुत लोग यही मार खा जाते हैं गाइस, ठीक है। फिजिक्स का पेपर इजी भी आता है, हो सकता है कभी हार्ड भी आता है, ऐसा जरूरी नहीं है, इस बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं गाइस। होता क्या है जनरली, देखो अगर मैं 4 सब्जेक्ट की अगर बात करता हूं ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, की अगर मैं बात करता हूं ना गाइस, तो इसमें ज्यादा ट्विस्ट लाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बायोलॉजी में स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, उसका पेपर ज्यादा कुछ हार्ड हो भी नहीं सकता है, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई होगी तो अच्छा ही आ जाएगा। मास में ट्विस्ट कर करके क्या कर लेगा, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो मास में भी अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, बचते हैं खाली 2 पेपर, और इनमें से एक बॉल पक्का यॉर्कर आने वाला है गाइस, एक बॉल पक्का, एक तो लसित मलिंगा डालेगा आपको, नहीं तो बुमराह डालने वाला है गाइस, तो आप क्लीन बोल्ड होने के चांसेस हो, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा सा एक प्लान करके रखिए, क्योंकि आपको ना हर सब्जेक्ट, अगर मैं स्पेशली अगर मैं बात करता हूं ना फिजिक्स की, तो ये पेपर होता तो आसान है ना, और ये अल्टरनेट में आता है, कभी अगर फिजिक्स हार्ड आएगा तो कभी केमिस्ट्री हार्ड आ जाएगा, ठीक है, मतलब हाँ। तो गाइज इसमें से एक ही पेपर आपका कोई तो भी हार्ड हो सकता है या टफ हो सकता है गाइज, दैट इज एक तो आपका फिजिक्स थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, ठीक है, या फिर फिजिक्स अगर इजी आ जाता है तो आपका केमिस्ट्री टफ हो सकता है गाइज, तो इस तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो अगर कोई पेपर इजी भी आ जाता है या कोई पेपर टफ भी आ जाता है ना, स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं ना गाइज, तो ये पेपर इजी आने दो या चाहे टफ आने दो, ये 3 आवर्स पे बिल्कुल नहीं हो पाता है गाइज। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये जो 3 आवर्स के जो पेपर है ना, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके रखनी है गाइज, दैट इज अप्रैल मंथ के अंदर, ठीक है। सो आपको इससे ना क्या हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा आ जाएगा गाइज। हाँ बिल्कुल, हालांकि मैं इस पे बिल्कुल वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से पेपर पैटर्न होने वाला है या किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है पर्टिकुलर पेपर के अंदर। सो आपको ना थोड़ा सा ये जनवरी, फेब्रुआरी और मार्च और अप्रैल, इसका इनिशियल का प्लानिंग आप बिल्कुल बना के रखिए गाइज। आपका प्लानिंग अगर मेरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होता है, या फिर आपको अगर इसमें कुछ और भी सजेशन चाहिए मेरे तरफ से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर मुझे अगर पर्सनली कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर भी आपको दिया हुआ है, वहां पे आप पर्सनली कांटेक्ट करके भी थोड़ा बहुत मेरे से सजेशन ले सकते हैं गाइज, ठीक है गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।